एफ एक्स एंड जी एक्स इज नॉट एट एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कॉन्टिन्यूज है है लेकिन जरूरी नहीं कि फंक्शन मल्टीप्लाई करके डिस्कॉन्टिन्यू आए ये देखिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं फॉर एग्जांपल हम पॉइंट ले लेते हैं एक्स इक्वल टू टू ठीक है स्टूडेंट लिमिट एक्स प्रोचिस टू एक्स माइनस फोर एक्स माइनस टू ठीक है स्टूडेंट और दूसरा फंक्शन हमने ले लिया एक्स प्रोचिस टू एक्स माइनस टू ठीक है स्टूडेंट अब ये फंक्शन तो कंटिन्यूस है क्योंकि ये कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है टू के आसपास कि ये क्या है नॉट डिफाइन आए लेकिन स्टूडेंट ये टू पे क्या होगा डिफाइन नहीं होगा बिकॉज वन ओवर जीरो क्या है नॉट डिफाइन अब एक फंक्शन नॉट डिफाइन है एक फंक्शन डिफाइन है अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम पॉइंट एक्सो प्रोचिस टू पे एक्स माइनस फोर ओवर एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस टू ये और ये क्या हो गए कैंसल क्या आ गया लिमिट एक्स अप्रोचिस टू एक्स माइनस फोर अब सुन ये तो डिफाइन हो गया ये फंक्शन टू पे डिफाइन है इसका कोई ना कोई आंसर आएगा सो so, अब ये जरूरी नहीं है एफ एक्स है और जी एक्स डिसकॉन्टिन्यूज है किसी पॉइंट पे कि मल्टीप्लाई करने के बाद वो डिसकॉन्टिन्यू हो ठीक है स्टूडेंट जरूरी नहीं है ये मतलब डिस्कॉन्टिन्यू हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ठीक है स्टूडेंट मल्टीप्लाई करने के बाद लेकिन एडिशन में वो क्या रहेगा डिस्कॉन्टिन्यूज ही रहेगा क्योंकि तो यही फंक्शन ले लीजिए अगर हम ऐड करते हैं एक्स माइनस फोर एक्स माइनस टू यह डिफाइन नहीं था नॉट डिफाइन और एक्स माइनस टू यह क्या था फंक्शन यह डिफाइन था अब स्टूडेंट टोटल फंक्शन क्या है टोटल फंक्शन आ गया नॉट डिफाइन क्यों क्योंकि तो ये अभी भी क्या है डिसकॉन्टीन्यूज है ठीक है स्टूडेंट सो एडिशन में अगर फंक्शन कोई एक भी डिसकॉन्टीन्यूज है तो वो ऐड करने के बाद भी क्या होगा डिसकॉन्टिन्यूज लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद जरूरी जरूरी नहीं है डिस्कॉन्टिन्यू भी हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि डिस्कॉन्टिन्यू होगा ही होगा एट द सेम पॉइंट ठीक है स्टूडेंट इफ एफ इज कॉन्टिन्यूज एट एंड इज जीटिन्यूज एट एफ देन जी एफ इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूज एट सेम पॉइंट ठीक है स्टूडेंट बिकॉज दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूज है

इफ इट इज कॉन्टीन्यूज एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ ए बी स्टूडेंट फंक्शन एक ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूज होगा जब वो हर एक पॉइंट ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स आते हैं उनमें क्या होगा कॉन्टीन्यूज होगा ठीक सी सीधी से बात है स्टूडेंट अगर हम कोई दो पॉइंट लेते हैं तो ग्राफ क्या होना चाहिए कॉन्टीन्यूज ग्राफ क्या होना चाहिए उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए ए टू बी तो फंक्शन क्या होना चाहिए कॉन्टिन्यूस ठीक है स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कॉन्टीन्यूज ऑन वन टू टू ठीक है स्टूडेंट वन टू टू मीन्स वन और टू तो लेने पॉइंट पर तो आपका जिन फंक्शन डिफाइन नहीं है लेकिन वन और टू के बीच में फॉर एग्जाम्पल वन पॉइंट वन वन पॉइंट टू ठीक है स्टूडेंट फ्रैक्शनल वैल्यूज पे आपका जिन फंक्शन क्या है कॉन्टीन्यूज मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में प्रूव भी कर दिया था कॉन्टीन्यूटी ऑन ए क्लोज इंटरवल ओपन खत्म अब क्लोज इंटरवल इफ फंक्शन एफ एक्स एट टू बी कॉन्टिन्यूज इन ए क्लोज इंटरवल दिस इज द्रैकेट ऑफ क्लोज इंटरवल इफ एफ इज कॉन्टीन्यूज एट ईच पॉइंट ऑफ ए टू बी मीन्स ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट आते हैं उनमें क्या होना चाहिए कॉन्टीन्यूज सेकेंड पॉइंट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट बी इज इक्वल टू लेफ्ट एंड लिमिट एट बी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए इज इक्वल टू राइट एंड लिमिट ऑफ ए मीन्स बी से कम ए टू बी है ना जा रहे हम बी से कम ए से ज्यादा फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए इसकी एफ ए होनी चाहिए और इसकी एफ बी होनी चाहिए क्योंकि तो हमारी इंटरवल क्या है ए टू बी मीन्स ओपन इंटरवल में तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस होना ही चाहिए दूसरा बी से कम और ए से ज्यादा टू बी मूव कर रहे हैं ए से ज्यादा एफ एक्स का आंसर क्या आना चाहिए एफ ए बी से कम आंसर क्या आना चाहिए एफ बी तो आपका क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होगा अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं होगा फॉर एग्जाम्पल फंक्शन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस टू पाई टू प्लस टू पाई तो कॉन्टिन्यूस होना ही चाहिए लेकिन माइनस टू पाई से ज्यादा और प्लस टू प्लस टू पाई से कम आंसर क्या होना चाहिए साइन ऑफ माइनस टू पाई एंड साइन ऑफ प्लस टू पाई ठीक है स्पेंड बिकॉज साइन आप साइन ग्राफ कैसा आपका साइन ग्राफ कॉन्टीन्यूस ग्राफ है साइनग्राफ क्या आपका कॉन्टिन्यूस ग्राफ है फॉर एग्जाम्पल ये माइनस टू है और ये आपका प्लस टू है ठीक है स्टूडेंट अब जितने भी बीच में पॉइंट्स आएंगे उन सब में साइन क्या है साइन अप एक्स क्या है डिफाइन है डिफाइन है तो मतलब कॉन्टिन्यूज है ए इज एक्सिकल टू एक्स इक्वल टू ए वन क्या आंसर है दिस वन ए प्लस ए नेगेटिव लिमिट्स बराबर होनी चाहिए और किसके बराबर होना चाहिए फंक्शन उस पॉइंट पे सेकेंड लेट एफ एक्स एंडक्स कॉन्टिन्यूस एट एक्सिकल टू विधल क्या कहा था कॉन्टिन्यूस फंक्शन को किसी कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर तो तो भी continuous दो कॉन्टिन्यूस रहेगा दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को एड करो एड करो याब्रैक्ट करो कॉन्टिन्यूस रहेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कॉन्टिन्यूस रहेंगे ठीक है स्टूडेंट सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे Thank.